कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देवास के खातेगांव में भी प्रशासनिक अमला सक्रिय नजर आया। बुधवार को नगर के मुख्य बाजार में दुकानदारों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई और लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। जानकारी के मुताबिक खातेगांव क्षेत्र में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड डोज लगना बाकी है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए प्रशासनिक अमले ने लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी उनको वैक्सीन लगाई गई। मार्केट में निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। जैसा कि विदित है, अभी जो WHO के द्वारा जो चेतावनी जारी की गई है उस पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो नए वेरिएंट के बारे में जो जानकारी दी गई है उसको देखते हुए वैक्सीन के प्रति एक जो अपने सेकेंड डोज से जो वंचित रह गए हैं उनको लगवाने के लिए एक ड्राइव चलाया गया है माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में और जिला CEO साहब के निर्देशन में। ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है जिसमें हमने देखा कि जो मुख्य बाज़ार जो खातेगांव का है वहाँ पर दुकान पर हर एक दुकान से ये चेक किया गया कि उनमें वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए या नहीं लगवाए, और जो अभी कुछ दुकानों पर ऐसे पाया गया जिन्होंने नहीं लगवाए तो तत्काल वैक्सीन की हमारी जो मोबाइल टीम थी हेल्थ डिपार्टमेंट की उसके द्वारा उनको तत्काल वैक्सीन भी लगवाई है।